डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर आज हरण गांव में ब्लॉक कांग्रेस और आईटी सेल के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी के साथ काले झंडे भी दिखाए गए। देवास जिले के हरण गांव में डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस आईटी सेल एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीतियों को जमकर विरोध किया। अडानी अंबानी का देखो खेल, सो के ऊपर हो गया तेल, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, ऐसे नारेबाजी करते हुए काले झंडे दिखाकर डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों का घोर विरोध किया गया। साथ ही सरकार की नीतियों पर निशाना साधते हुए कांग्रेस आईटी सेल विधानसभा संयोजक कमलेश विश्वकर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। कोरोना काल में आम आदमी की हालत पहले से ही खराब थी, दूसरी महंगाई और डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों ने आम इंसान की कमर तोड़ कर रख दी है। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने किसानों और आम जनता को लूटने के अलावा कुछ नहीं किया। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नंदलाल मीणा, कांग्रेस अल्पसंख्यक ब्लॉक अध्यक्ष सैयद यूनुस खान, सोएब हनफी, फरदीन हनफी, पवन गौली, विनोद पंचोली, नीरज राठौर सहित NSUI एवं कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेमावर से कैमरा पर्सन अनिल धनगर के साथ सुनील जैन की रिपोर्ट। आज हरणगांव पेट्रोल पंप पे काला झंडा दिखाया जा रहा है और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मामला है इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? आज जो हरणगांव पेट्रोल पंप पे काला झंडा जो दिखाया जा रहा है, पेट्रोल और डीजल की मूल्य वृद्धि को लेकर, डीजल आज शतक लगाने के करीब पहुंच चुका है क्योंकि आज डीजल की किसानों को सख्त आवश्यकता है। ऐसी परिस्थितियों में मतलब डीजल का भाव बढ़ना किसान का कहीं ना कहीं गला घोटने की स्थिति में है। आज किसान वैसे ही इस महामारी को लेकर परेशान था और इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा संकट कि पिछले सीजन में सोयाबीन भी नहीं हुई थी और गेहूं चने की फसल का उत्पादन भी उतना नहीं है। इस सब चीज़ों को देखते हुए हमने काला झंडा दिखाया है और आगे भी सरकार के खिलाफ हम लड़ेंगे कि पेट्रोल डीजल का भाव कम करें और इस पेट्रोल डीजल की आड़ में सरसों और तेल का भाव इतना बढ़ा दिया सरकार ने। और सरकार एक तरफ कहती है कि जनहितैषी सरकार, मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि जनता के हित में ऐसा कौन सा कार्य आपने किया है जो जनता की हितैषी है या किसान हितैषी? ये सबसे बड़ी चीज़ जो सरकार है ये किसान विरोधी है, जन विरोधी है। इसकी जो भी नीतियाँ हैं वो पूरी जनता के खिलाफ है। आपका नाम और पद सर? ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हरणगांव नंदलाल मीणा। हरणगांव में हमारे ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नंदलाल जी मीणा के तत्वाधान में जो काला झंडा दिखाया जा रहा है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अनीति की जा रही है। किसानों के हित में, आम जनता के हित में कोई कार्य नहीं किया गया। पेट्रोल डीजल आसमान का भाव छू रहे हैं, आदमी को खरीदने में बहुत तकलीफ हो रही है और साथ में सभी लोग बेरोजगार हो गए। इस कोरोना काल संकट में सरकार ने लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया।